नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 अगस्त, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने निकाली रखतियां। आज 1380 शूरवीरों का होगा सम्मान। बिहार के 23 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। 8वीं तक की कक्षाओं के खुलने से पहले ही शिक्षा मंत्री ने जारी किया पत्र। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज समूचा देश मनाएगा 75वें साल का स्वतंत्रता दिवस। इस साल हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इसी दिन की याद में हर साल हिंदुस्तान में 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। वहीं आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करने वाले हैं। हालांकि कोरोना के कारण आम लोगों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं इस दौरान मैदान में 8 झांकियां निकाली जाएंगी। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने निकाली रखतियां। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी, सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक, संबंध प्रबंधक, उत्पाद प्रबंधक के कुल मिलाकर 68 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो विपणन और संचार, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कृषि, OMP तय किया गया है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBA या PGDM या BE या BTEC या प्रासंगिक अनुशासन और अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। पहली बार इन 5 स्टेशनों पर दिखेगा बिहार के हस्तशिल्प का जलवा। बिहार के 5 प्रमुख स्टेशन पर पहली बार बिहार के हस्तशिल्प का जलवा दिखने वाला है, जिसके तहत मधुबनी से लेकर बिहार के सभी प्रारंभिक और प्रचलित क्राफ्ट के अलावा हस्तकला और खादी के उत्पाद भी अपना आकर्षण बिखेरने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत के तहत बिहार के नामचीन क्राफ्ट की प्रदर्शनी सह बिक्री अगले 1 सप्ताह तक बिहार के जिन 5 रेलवे स्टेशन पर होने जा रही है उसमें पटना जंक्शन, दरभंगा, गया स्टेशन, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जंक्शन शामिल है। बिहार की नामचीन कलाकृतियों, हस्तशिल्प और खादी के लोकप्रिय उत्पादों की धमक बिहार समेत देश के लोगों तक पहुंचाने को लेकर इस मौके को बिहार के कारीगर और बुनकर प्रचार प्रसार और आमदनी के मद्देनजर खास मान रहे हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी। बिहार में मॉनसून अब धीरे धीरे बेअसर हो रही है। मॉनसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तराई क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गई है। साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर बिहार की तरफ बना हुआ है। इन सब के प्रभाव से उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। जिन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया शामिल है। यहां अगले 24 घंटे के दौरान मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। साथ ही कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग में भी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ठाकुर युगल किशोर सिंह की। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम बात करेंगे ठाकुर युगल किशोर सिंह की। ठाकुर युगल किशोर सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सहकारिता क्रांति के जनक थे। वो बिहार में मुजफ्फरपुर उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोकसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने महात्मा गांधी की अगुवाई में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रखर कार्यकर्ता रहे हैं। केरल की पूर्व राज्यपाल राम दुलारी सिन्हा उनकी पत्नी थी। उनके नाम पर उनके पुत्र मधुरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा सीतामढ़ी में ठाकुर युगल किशोर सिंह महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। बिहार के 23 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के 23 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले हैं। ज्ञात हो ये ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपने काम में विशिष्ट योगदान दिया है। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी गई है। इसमें एक पुलिस निरीक्षक और एक पुलिस अवर निरीक्षक सहित 23 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है। पुलिस मुख्यालय के प्रेस नोट के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर 2 पुलिस अधिकारी विपिन कुमार सिंह पुलिस निरीक्षक और राम कुमार सिंह पुलिस अवर निरीक्षक को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 21 पुलिसकर्मी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।
बिहार के खानों में अब केवल हिंदी शब्दों का होगा इस्तेमाल। भले ही हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आज के समय में हिंदी समय के परत में कहीं खो गई है। यही कारण है कि सरकार अब राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की तरफ कदम बढ़ा रही है। यही कारण है कि हिंदी दिवस आने से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों का जिक्र करते हुए राज्य को पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में 70 से ज्यादा अंग्रेजी के शब्दों और टिप्पणियों का जिक्र किया गया है, जिनकी जगह हिंदी शब्द का इस्तेमाल करना है। इस बाबत बिहार के राजभाषा विभाग के निदेशक सुमन कुमार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पीएम ने भरी हामी, जिस बात का इंतजार था वो खत्म हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम के नाम एक पत्र जारी किया था। हालांकि यह पत्र लगभग 10 दिनों पहले ही जारी किया गया था, लेकिन पीएमओ की तरफ से इस पत्र का जवाब अब आया है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग अब स्वीकार होती नजर आ रही है। हालांकि अभी पीएमओ की तरफ से मुलाकात को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का एक्नॉलेजमेंट पीएम को प्राप्त हो चुका है। 8वीं तक की कक्षाओं के खुलने से पहले ही शिक्षा मंत्री ने जारी किया पत्र। 16 अगस्त से बिहार में प्रारंभिक स्कूल खुलने वाले हैं। हालांकि कोरोना के इस माहौल में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने नए नियमों को लागू कर दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि स्कूल भले ही एक बार फिर से पहले की तरह खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इस बाबत बीते दिन विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई थी। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया कि वो नियमित तौर पर स्कूल का निरीक्षण करें। उन्होंने हिदायत दी कि शिक्षक एवं स्कूल के अन्य कर्मचारी आवश्यक रूप से टीकाकरण करा ले। इस वर्चुअल मीटिंग में शिक्षा मंत्री चौधरी के अलावा अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक, जिलों के समाहर्ता एवं शिक्षा पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज 1380 शूरवीरों का होगा सम्मान। देश आज आजादी का 75वां पर्व मना रहा है। इस मौके पर देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहने वाले और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले शूरवीरों का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मान किया जाएगा। इस बाबत इस साल 1380 शूरवीरों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मान किया जाएगा। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस के इन जवानों को दिए जाने वाले प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस समेत अन्य गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक पुलिस के 2 जवान को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 628 जवान को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। इसके अलावा 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 88 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के किसान अब माइक्रो एसडी कार्ड से सीखेंगे खेती के गुर। बिहार के किसानों को स्मार्ट बनाने के लिए अब सरकार नई और तकनीकी पहल करने जा रही है, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने बिहार के सभी किसानों को एसडी कार्ड देने का ऐलान कर दिया है, जो कि 32 GB का होगा, जिसकी मदद से अब फिल्मों और साथ ही साथ किसानों की सफलता का सफर मोबाइल पर देखकर कृषि की नई तकनीकों से किसान रूबरू होंगे। इतना ही नहीं, मुफ्त एसडी कार्ड मिल जाने से अब बिहार के किसानों को बाहर प्रशिक्षण लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो अब घर बैठे बैठे आसानी से अपने स्मार्टफोन पर ही खेती के गुर सीख सकेंगे। ज्ञात हो इस बाबत बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से इसके लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। बिहार बोर्ड की 10वीं वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया है। बीएसईबी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों के मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने स्कूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें, बिहार बोर्ड ने 2022 के 10वीं परीक्षा में भाग लेने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क 980 रूपये और आरक्षित वर्ग के लिए 865 रूपये निर्धारित किए। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख इंटरमीडिएट परीक्षा की तरह ही 14 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक निर्धारित की गई है। बिहार के हर पंचायत में बैंक चलाएगी जीविका दीदी। अब गांव की जीविका दीदी पंचायतों में बैंक चलाएंगी। जीविका दीदी बैंक की बीसी यानी कि बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बनेंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजना 1GP 1BC यानी कि एक ग्राम पंचायत और एक बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के तहत प्रदेश के हर पंचायत में सीपीसी यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सीएसपी को संचालित करेंगी। इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग दी जा रही है। 10 दिनों की ट्रेनिंग के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग की तरफ से ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले महिला अपने ग्राम पंचायत में सीएसपी चलाएंगी।
मामूली शुल्क पर मिल जाएगी जमीन के सभी दस्तावेज। बिहार में अब जमीन के दस्तावेजों के लिए आपकी जेब ज्यादा ढीली नहीं होने वाली है, बल्कि मामूली शुल्क पर ही आपको जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज मिल जाएंगे। इसमें पंजी दो खतियान समेत अन्य राजस्व दस्तावेज शामिल हैं, जिसके तहत अब मात्र 10 से 50 रुपए के बीच इसे रखा गया है। नक्शे के लिए आवेदक को 150 रुपए प्रति शीट की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा अब रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड रूम को उपस्करों के लिए 16,10,000 रुपए दिए जाएंगे। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में 4 कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर के अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। चीन में जान गंवाने वाले नागसेन अमन का आखिरकार हुआ अंतिम संस्कार। चीन में बिहार के लाल नागसेन अमन ने आखिरी सांस ली थी। हालांकि इनकी जान क्यों गई, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, नागसेन अमन के पार्थिव शरीर को भी बिहार आने में 22 दिन का समय लग गया, लेकिन आखिरकार उनका शरीर बीते दिन बिहार पहुंचा और जान जाने के 22वें दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्ञात हो, चीन में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करने गया के छात्र नागसेन अमन को पैरैया प्रखंड के मंगरावा पंचायत स्थित पैतृक गांव कछठुआ में उनके चाचा पंकज पासवान ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में आसपास के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाने के साथ ही शहीद का दर्जा देने की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया काम। पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत वोटिंग कराने के लिए मतदान दल कर्मियों के काम और दायित्व का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत सभी कर्मियों के काम और दायित्व से संबंधित पत्र जारी कर दिया है, जिसके तहत प्रत्येक मतदान दल कर्मी के लिए अलग अलग काम का निर्धारण किया जाएगा, जिसके तहत P1 निर्वाचक नामवली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होंगे। इसके अतिरिक्त P1 पंच और सरपंच पद के निमित्त मतपत्रों के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी अमित स्याही का प्रभारी होंगे। इसके साथ ही P2 मतदाता के रजिस्टर के प्रभारी होंगे। छत पर फल सब्जी उगाने के लिए अब सरकार आपको देगी पैसे। बागवानी करना बहुत सारे लोगों का शौक होता है, हालांकि अब तक लोग इसे अपने खर्चे पर करते आ रहे थे, लेकिन अब छत पर की जाने वाली खेती के लिए बिहार सरकार 50% सब्सिडी देने वाली है। यानी कि अब आपको अपने छत पर गमले में फल फूल सब्जी लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। हालांकि यह सुविधा फिलहाल बिहार के केवल 4 जिलों के लोगों को ही मिलेगा, जिसमें पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। जानकारों की माने तो सरकार की यही कोशिश है कि इस योजना के तहत घर के छत फल फूल और सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही वैसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाए जिनके पास अपना घर हो, या वैसे लोग जो अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनके पास अपना घर या अपार्टमेंट में फ्लैट हो, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तेजस्वी, नाव पर बैठ सरकार पर किया हमला। बिहार में चारों तरफ बाढ़ का मंजर है, हालांकि अभी बाढ़ से राहत मिलने की कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इसी कड़ी में नेताओं का बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा शुरू हो गया है, जिसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने नाव पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। साथ ही मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत के लिए मात्र 6,000 रुपए ही देती है, इससे काम नहीं चलने वाला है। सरकार से मैं और भी ज्यादा रुपए दिए जाने की मांग करता हूं। यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहां की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। शरद यादव की मुलाकात का दौर पहुंचा रक्षा मंत्री के द्वार। बिहार के सियासत में बड़ा नाम माने जाने वाले शरद यादव को लेकर इन दिनों हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, तब से ही उनकी राजनीति में सक्रिय होने का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं अब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसके बाद उनके राजनीति में सक्रिय होने के कयास और ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं मुलाकात के बाद मधेपुरा के पूर्व सांसद ने लिखा है कि अपने अच्छे मित्र और पुराने सहयोगी श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भारत सरकार को अपने आवास पर पाकर बहुत खुशी हुई, आज उनसे शिष्टाचार मुलाकात हुई है। हालांकि इस दौरान दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई। सीएम नीतीश कुमार के बाढ़ प्रभावित इलाके में दौरे को लोजपा ने बताया टूरिज्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से जायजा लिया था, हालांकि उनके इस दौरे पर अब राजनीतिक टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत उनके इस दौरे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने टूरिज्म का इसे नाम दे दिया है। इस बाबत लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि बिहार में बाढ़ से बचाव के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हर साल बांध बनते हैं और टूट जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 16 साल से 16 बार बाढ़ टूरिज्म कर चुके हैं, इसके बावजूद बाढ़ की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि बाढ़ पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी पार्टियों से विचार विमर्श कर बाढ़ से बिहार को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए और पीड़ित के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। जाति
जातीय जनगणना से इनकार करने वालों को कुशवाहा ने बताया बेईमान। इन दिनों बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके तहत इस मुद्दे पर जहां एक तरफ जदयू और विपक्षी दल की राय एक है, वहीं भाजपा इसका लगातार विरोध कर रही है। इसी क्रम में अब इस मुद्दे को लेकर जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो पूर्णतः गलत है, उनके मन में बेईमानी है, इसीलिए ऐसी बात की जा रही है। समाज में भेदभाव ना हो इसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जात की गणना करने से विषमता नहीं आएगी। एक बार जाति जनगणना हो जाने से जो वर्ग पिछड़ा है उसके विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है। जातीय जनगणना नहीं होने का कारण ही है कि आज भी सरकार 1931 में हुए जातीय जनगणना को ही आधार बनाती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1519 में पनामा शहर आज के दिन बनाया गया था। 1854 में ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 में आज के दिन से शुरू हुआ था। 1886 में भारत के महान संत एवं विचारक गुरु रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चैटर्जी का निधन हुआ था। 1947 में भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिली। 1947 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। 1947 में रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना आज के दिन की गई थी। लॉर्ड्स की बालकनी में नागिन डांस करते दिखे कोहली। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पहला टेस्ट मुकाबला दोनों टीम के बीच ड्रॉ देखने को मिला, वहीं दूसरा मुकाबला अभी भी जारी है। इसी बीच कप्तान कोहली का एक फोटो सोशल मीडिया पर लॉर्ड्स के मैदान से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कप्तान कोहली नागिन डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे फोटो में विराट के साथ बालकनी में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय कप्तान नागिन डांस करते दिख रहे हैं। इस दौरान विराट के चेहरे पर स्माइल है और कैप्टन का कूल अंदाज देखकर राहुल और सिराज भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मोबाइल कार को ढूंढने में गूगल करेगा आपकी मदद। गूगल से आप संसार की सारी जानकारी बस एक क्लिक में हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर गूगल आपके खोए हुए सामान का पता बताने लगे तो ये कितनी मजेदार बात होगी। और अब ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि गूगल अब गायब हुए कार और मोबाइल की सारी जानकारी देने वाला है, जिसके तहत कार और मोबाइल चोरी या गुम होने की घटनाओं को रोकने के लिए गूगल की तरफ से फाइंड माई डिवाइस नाम से एक नया फीचर लाया जा रहा है, जो आपके कार और मोबाइल को ढूंढने में मदद करेगा। हालांकि गूगल का नया फीचर iOS डिवाइस के लिए नहीं होगा, मतलब गूगल उन्हीं डिवाइस को खोजने में आपकी मदद करेगा जिसमें गूगल एंड्रॉइड सिस्टम होगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,150 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,280 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, सुनील राज, मुकेश कुमार, आनंद कुमार, शंकर मुखिया, अभिषेक कुमार, कृष्णदेव पासवान, रानी गुप्ता, ललन केसरी, ओमकार सिंह, नीतीश कुमार, फैयाज वीडियो एंटरटेनमेंट, लाल बाबू कुमार, रवि कुमार, विनय राज, मिस्टर अरविंद कुमार सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।